आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग में प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस क्लास। हमने अब तक क्या किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट कर लिया है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने नेगेटिव भी इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस क्लास, फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास देखिए कि हम इसमें एक पैराग्राफ लेंगे जिसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ लिया है प्रॉपर हिंदी में, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये पैराग्राफ क्या है, हम पिकनिक के लिए खंडाला जा रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है, मेरे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे हैं, मैं सामान तैयार कर रहा हूँ, हम खंडाला कार से जा रहे हैं, मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ पर मेरे दोस्त कार से जाना चाहते हैं, मुझे कार में सफर करना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जानता कार कैसे चलाते हैं पर मेरे दोस्त जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं, अभी मैं बिजी हूँ इसलिए बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा पैराग्राफ है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने देखा है तो ये सारा पैराग्राफ लास्ट में रहा है, रहे हैं ये आ रहा है, या ता है ते है ये आ रहा है। यानी कि जो अब तक हमने किया है, अब तक हमने क्या किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसके लास्ट में ता है ते है और ती है आता है वो इसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है रहे है और रही है आता है वो भी इसमें अवेलेबल है, नहीं वाले सेंटेंसेस भी इसमें अवेलेबल है। देखिए मुझे कार में सफर करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, नहीं वाले जो सेंटेंस है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस क्लास करेंगे, इसमें सिर्फ वही सेंटेंसेस है, वही सेंटेंस टेंस है जो कि हमने की है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, हम पिकनिक के लिए खंडाला जा रहे हैं, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस कैसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो जा रहे हैं, ठीक है ना। हम वी, वी के साथ क्या लगता है, आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ यू, वी, दे, इनके साथ आर। तो हम वी, वी आर, वी के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगता है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर इज एम आर आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट जो भी है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हम पिकनिक के लिए खंडाला जा रहे हैं, वी आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, गो इन जाना, गोइंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टू खंडाला, खंडाला जा रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए, ठीक है, वी आर गोइंग टू खंडाला फॉर पिकनिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है, मेरी मम्मी, माई मदर, सिंगल ही है ना तो इज लगेगा ना, मदर तो एक ही होगी, होगी सबकी, तो माई मदर, माई मदर इज, माई मदर इज खाना बना रही है, बनाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मेक इंग, माई मदर इज मेकिंग, क्या बना रही है, खाना, फूड, माई मदर इज मेकिंग फूड फॉर मी, मेरे लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माई मदर, रही है इज एम आर आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में, मेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मेकिंग ऑब्जेक्ट फूड फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है, माई मदर इज मेकिंग फूड फॉर मी। नेक्स्ट वन इज, हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, मेरे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे हैं, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आर, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आर लग जाएगा, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग, भी जा रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग विद मी, मेरे साथ, ठीक है, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग विद
going with me, मेरे साथ जा रहे हैं. Next line is, मैं सामान तैयार कर रहा हूँ. सामान जो भी पैकिंग उसने करनी है. आप यही बोलोगे कि या तो आप ये बोलोगे मैं पैकिंग कर रहा हूँ या मैं सामान तैयार कर रहा हूँ. नॉर्मली अगर हम बोल देते हैं मैं तो सामान तैयार कर रही हूँ, ठीक है. ऐसे मैं सामान, मैं आए और आई के साथ क्या लगता है, एम. आई एम तैयार करना, प्रिपेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्रिपेयरिंग. आई एम प्रिपेयरिंग, क्या तैयार कर रहा है, सामान. सामान में आप क्या तैयार करोगे, अपना बैग तैयार करोगे तो लगेज. जो सामान को तैयार करना होता है ना, बैग आप तैयार करते हो, लगेज बोलते हैं जो सामान होता है आपका. आई एम प्रिपेयरिंग लगेज, मैं सामान तैयार कर रहा हूँ. पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई इज एम आर, आई के साथ एम लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लास्ट में रहा हूं आ रहा है. ऑब्जेक्ट क्या है, लगेज. आई एम प्रिपेयरिंग लगेज. हम खंडाला कार से जा रहे हैं, हम, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, आर. वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं. सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. वी आर गोइंग टू खंडाला, कहाँ जा रहे हैं, खंडाला. किससे जा रहे हैं, कार से, बाय कार. नेक्स्ट वन इज, मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ. देखिए चाहता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूँ. तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई आई एन जी नहीं लगेगा, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इसमें इज़्ज़मार भी नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, ता हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ. टू गो, जाना चाहता हूँ, बाय ट्रेन, ट्रेन से. आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन, ठीक है. पर मेरे दोस्त कार से जाना चाहते हैं. बट, पर, माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ, पर मेरे दोस्त कार से जाना चाहते हैं. बट माई फ्रेंड्स आर, आर नहीं, इज़ आर नहीं लगेगा, ते हैं, ठीक है, ते हैं, इज़ आर नहीं लगेगा. My friends want to go, जाना चाहते हैं. My friends want to go by car, मेरे friends कार से जाना चाहते हैं. मुझे कार में सफर करना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता. मुझे, I, मैं, और I के साथ do लगेगा या does लगेगा, ठीक है. क्या लगेगा I के साथ, आई के साथ लगेगा डू. लेकिन सेंटेंस क्या है, मुझे कार में सफर करना अच्छा नहीं लगता, तो साथ में नहीं है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है. तो मीन्स टू से नो भी लगेगा, डू के साथ नो लगेगा, यानी डोंट. आई डोंट, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है कार में सफर करना. टू ट्रेवल इन कार, ट्रैवल मतलब सफर करना. आई डोंट लाइक टू ट्रैवल इन कार. मैं नहीं जानता कार कैसे चलाते हैं. फिर से नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता. आई डू डज नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई डू नॉट नो, आई डोंट नो कार कैसे चलाते हैं. हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव कार, ते है ना, चलाते हैं. नेक्स्ट वन इज, पर मेरे सब दोस्त जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं. मेरे सब दोस्त जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं. बट माई फ्रेंड्स नो दैट, आपको इसका पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. हिंदी में क्या है, पर मेरे सब दोस्त जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं. अगर हम इसको लिखें, बट माई ऑल फ्रेंड्स नो दैट How to drive car, ये बनेगी इसकी इंग्लिश. बट माई ऑल फ्रेंड्स नो दैट हाउ टू ड्राइव कार, लेकिन ये चीज पहले ही आ चुकी है कि मैं नहीं जानता कार कैसे चलाते हैं, पर मेरे सब दोस्त जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं. तो पहले कार के बारे में पहले ही आ गया है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार. इसलिए आपको हाउ टू ड्राइव कार फिर से लिखने की जरूरत
नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे बट माई ऑल फ्रेंड्स नो दैट, ठीक है, वो जानते हैं हाउ टू ड्राइव कार लिखने की। अगर आपके पास ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाता है तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कार कैसे चलाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कार कैसे चलाते हैं। और इसमें क्या, मैं नहीं जानता कार कैसे चलाते हैं बट वो जानते हैं, वो जानते हैं, ठीक है ना। इसको बार बार अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है। अब हिंदी में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं जानता कैसे चलाते हैं लेकिन वो जानता है। हम ये तो नहीं बोलते कि मैं नहीं जानता कैसे चलाते लेकिन वो जानता है कि कैसे चलाते हैं, तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं बिजी हूं, नाउ आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, सिंपल है ये, आई एम बिजी, जिसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं होती। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसमें हम इज एम आर का यूज कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, वर्ब का यूज करते हैं, इज एम आर का भी यूज करते हैं, यानी वर्ब का यूज नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती तो हम इसमें इज एम आर लगा देते हैं। बिजी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम बिजी, इसलिए बाद में मिलते हैं, सो सी यू लेटर, सो सी यू लेटर, इसलिए बाद में मिलते हैं। तो ये जो है ये हमारी प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस क्लास है, ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास है। सेकेंड प्रैक्टिस क्लास में एक कन्वर्सेशन के साथ हम मिलेंगे, जो कि हम आपको इस टॉपिक से नेक्स्ट डे मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।